नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आयुष हेल्थ मंत्रा चैनल और मैं हूं आपका दोस्त आलोक। भारत समेत जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग में जुटी है, कोरोना वायरस सीधे आपके फेफड़ों पर असर डालता है और इसका असर उन पर ज्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, भले ही फिर उम्र कोई भी हो। ऐसे में इस महामारी से लड़ने के लिए आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। आयुष मंत्रालय ने इस महामारी से बचाव के घरेलू और आयुर्वेदिक टिप्स दिए हैं। आइए जानते हैं आयुष मंत्रालय की ओर से इम्यूनिटी बूस्टिंग और रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए जारी गाइडलाइंस। इस स्वास्थ्य संकट के दौरान आयुष मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में शरीर की रोग प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने के उपाय सुझाए गए हैं। इन गाइडलाइंस के तहत सामान्य उपायों में गुनगुना पानी पीना, योगासन, प्राणायाम, ध्यान करना, खाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का प्रयोग करना शामिल है। वहीं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चवनप्राश, डायबिटिक लोगों के लिए शुगर फ्री चवनप्राश, हर्बल टी या तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ और मुनक्के से तैयार काढ़ा, हल्दी वाला दूध लेने की सलाह दी गई है। सूखी खांसी और गला खराब होने की स्थिति में पानी में पुदीने की पत्तियां या ज्वाइन डालकर भाप लें। लौंग पाउडर में शहद या चीनी मिलाकर लेने की सलाह के साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के लक्षण रहने पर डॉक्टर से संपर्क किया जाए। इम्यूनिटी बूस्ट करना क्यों जरूरी है? हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम लगातार किसी न किसी खतरे से निपट रहा होता है। यहाँ तक कि जब हमें कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा होता है, तब भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम किसी न किसी खतरे से निपट रही होती है। इसलिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर न पड़ने देने की जरूरत होती है। इम्यूनिटी के बारे में इम्यून एक्सपर्ट कहते हैं कि एक होता है इम्यूनिटी बढ़ाना और एक होता है इम्यूनिटी ऑप्टिमम लेवल पर ले आना। इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई मेडिसिन नहीं होती है। इम्यूनिटी ऑप्टिमम लेवल पर लाने के तरीके के कई उदाहरण है। जैसे अगर किसी में विटामिन सी या विटामिन डी की कमी है, तो इसकी खुराक देने पर उसकी इम्यूनिटी 2-3 हफ्तों में अपने ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच सकती है। इम्यूनिटी सिस्टम की मजबूती के लिए हमें पौष्टिक आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत होती है, और इसी का जिक्र आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस में किया गया है। वहीं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और खनिजों के सभी तत्वों के साथ एक अच्छा संतुलित आहार बेहतर पोषण प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह की महामारी के संबंध में क्या कहता है आयुर्वेद? WHO के मुताबिक COVID-19 के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2, जिसे शुरुआत में नोवल कोरोना वायरस कहा गया था, इससे पहले इंसान संक्रमित नहीं हुआ। फिर इस महामारी को लेकर आयुर्वेद का आधार क्या हो सकता है? आयुर्वेद में महामारी की विस्तृत व्याख्या की गई है। कई आचार्यों ने आयुर्वेद की किताब में ऐसी महामारी का जिक्र किया है, जैसे में आचार्य चक्रपाणी ने एक व्यापक समुदाय में एक जैसे लक्षण वाली बीमारी के बारे में लिखा है। आचार्य चरक ने महामारी के 2 कारक का वर्णन किया है, नियत हेतु प्रकृति की शक्ति के कारण अपरिहार्य कारक और अनियत हेतु रोगजनक कारक। आचार्य सुश्रुतु ने सूक्ष्म जीवियों के महामारी विज्ञान संबंधी पहलुओं के बारे में लिखा है, जिन्होंने ट्रांसमिशन के तरीकों का वर्णन किया है, जिसमें शारीरिक संपर्क, निष्कासित वायु और एक ही बर्तन का उपयोग शामिल है। हालांकि किसी भी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट COVID-19 बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है या नहीं, इस पर कुछ स्पष्ट नहीं बताया है, लेकिन इस बीमारी में सामने आने वाले लक्षणों पर आयुर्वेदा के जरिए काम किया जा सकता है। दोस्तों, आयुष हेल्थ मंत्रा के वीडियो में दी गई सभी जानकारियां रिसर्च के आधार पर तैयार की जाती हैं। आयुष हेल्थ मंत्रा आपसे आग्रह करता है कि इन्हें अपनाने से पूर्व अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो उचित डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आयुष हेल्थ मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आयुष हेल्थ मंत्रा के वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।